अब मैं घर जाऊं? अच्छा तू कहता है तो मैं सारी उम्र यूं ही तेरे सामने खड़ी रहूंगी। देने का जब ठंडी हवा चल रही हो, बादल बदलियों से आंख मचोली खेल रहे हो, वही तो वक्त हो गए है फूल लेने का। बादल आ गए बाबू, आंख मचोली शुरू हो गई है, अब तो फूल ले लेना। रानी अब तो घर जा। बाबू बाबू मैं आ गई हूँ बाबू। आज तुमने बहुत देर कर दी रानी। हाँ बाबू, आज मेरे सैया ने घर से निकलने में बड़ी देर कर दी। सैया ने बहुत प्यार करती है तुझे। मुझे उससे बहुत प्यार है, ना तो मेरे बगैर खाता है ना पीता है ना सोता है। तुम मेरे सैया से मिलोगे बाबू? तो बाबू कहाँ चला गया? शायद मेरे सैया से चल गया। तुम क्या जानो बाबू, मेरा सैया तो तू है, वो तो मेरी बकरी का बच्चा है। हाँ बाबू, तुमसे प्यार करती हूँ।
आमिर मेरी आंखें। जनाब की आंखें। मैं आंखें तो दे दे। लोगे बाबू अपने हाथों से बना कर लाई हूँ बाबू, ले लो ना बाबू, अगर ये पसंद नहीं तो दूसरा ले लो। मेरा वक्त आया ना करो बाबू, अगर तेरे जैसे ग्राहक मिलते रहे तो शायद रात को खाना भी ना मिले। क्या बात है, पैसे नहीं है तो कल दे देना। अच्छा मैं चलती हूँ। चली। अरे आगाज तो खूबसूरत हुआ, अंजाम भी खूबसूरत ही होगा। तो हम कहते हैं तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे रासपुटीन तुम ही हो। जी हाँ, जैसे शहजादा गुलफाम आप ही रह गए। तुम भी नहीं है अच्छा? देख लेना आज मालूम। क्या मतलब मालूम पे क्या मतलब? क्या तुम वहाँ नहीं जाओ? मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। क्यों? तुम्हारा मिशन है पोर्टल का बिल, कड़की कड़की लड़की कड़की पोर्टल का बिल। मिस ट्विंकल 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 पता कर चल। क्या मतलब ट्विंकल? यू लव मी? यस यस। हमको मालूम है तुम इसलिए बोलता कि हम तुम्हारे दोस्तों से फूड बिल क्यों मांगता है। यस नो नो मिस, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा बॉस बोलता है जब हम वापस जाएंगे तो मिस को बिल देकर जाएगा। अच्छा यस, ऐसा बोल रहा हो यस। अभी तुम क्या बोलता था? मार डालो मिस। हम बोलता था आई लव यू। आई टू आई टू। अब बोलो मिस, आज से हम तुम्हारे दोस्तों से फूड बिल नहीं मांगेगा। और पिछला दिन वो भी माफ किया? एकदम माफ। थैंक यू मिस, आई लव यू वंस अगेन। किधर नहीं, किधर टेलीफोन पे पैसा मांगता। चलो बनाना
भाई बेवकूफ तो मैं बन गया, लेकिन पागल कर गई मुझे गुजर। हाय हाय, कहीं यार सचमुच पागल ना हो जाना तुम। वो ना मिली ना तो सचमुच पागल हो जाऊ। ना बाबा, इन्हें गुनाह ना करना। पिछले जमाने के पागल तो गिले बांध फाड़ के जंगलों को निकल जाते थे, मगर मॉडर्न जमाने के पागलों को पागलखाने में बंद करते थे। हाँ यार ये ठीक है, वरना खाम खा पागलखाने जाना पड़ेगा मुलाकात के लिए। अरे तू ना जाना, मैं तो जाऊंगा, मेरा यार है, जरा इसे पागल तो होने दो। क्या बकता है बे? नहीं आऊंगा मिलने यार। अरे यार आमिर पागल होके कौन सा तीर मारेगा? तीर तो आज हमने मारा है। क्या मारा? तीर यार। कैसा तीर बे? हाँ हाँ, होटल की मालका मिस ट्विंकल। क्रिंग 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 क्रिंग। अभी कतल कर दिए क्या? हाँ नहीं यार, मैंने कहा आई लव यू, उसने कहा आई टू। आई टू तो क्या हुआ? तो क्या हुआ, अगले पिछले बिल सारे माफ। खाओ पियो ऐश करो। वाह, देख ले हम दोनों ने कुछ ना कुछ कर दिखाया है। तू तो कुछ कर आशिक। अपनी खाली किस्मत ही ऐसी है, माँ बाप ने नाम तो आशिक रख दिया, भैंस तक नहीं फंसी मुझे। मैडम अभी हमारा हाँ, सुनो, हम तुमको अपने जैसे बनाना मांगता। अपने जैसा? मैडम तुम हमसे शादी करना मांगता या किश्ती रहना मांगता? नो डियर। मैडम हमारा पेट अभी ब्लास्ट होने वाला है। मैडम हम अपने हाथ से तुमको खिलाना मांगता। हमको कुछ हुआ? क्या हुआ तुमको? अरे हमको हुआ मैडम, मैडम खींच ये जा रहा है और हम दोनों ये जा रहे हैं। रहे किस्मत रहे नसीब। फैसानी कहाँ से गधे मुंह उठाए चले आते हैं। गुड मॉर्निंग मैडम। अरे वाह अरे वाह, क्या तरक्की की है साहब ने। गधे अंग्रेजी भी बोलते हैं? जी सर, आप ही से सीखा है। शट अप। अगर आप यूं ही शट अप शट अप करती रहीं तो एक दिन सेट अप भी हो जाए। यस, आत्माओं ने आशीर्वाद क्या है? ओह जहाँ मैं मैनेजर हूँ और अभी अभी मुझे इस तरह मिली है कि इस कमरे में कोई मुश्तबा औरत आई। बकवास मत करें, अंदर मेरी अम्मी जान है। अच्छा अच्छा, अम्मी जान। और ये अपना चश्मा बदल ले। जी बेटर है, बहुत बेटर। बड़े ऐश हो रहे हैं, रात हो रहे हैं यार। गिर भी पड़ा हूँ, गिर भी आप लोगों के लिए। सुना है बड़ी खौतरे वतरे हो रहे हैं यार, टॉन्सिल्स खराब हो जाएंगे। खौतरे हो रही है, दूर के ढोल सुहाने। खुदा की कसम इतना वजनी इश्क अगर आपको करना पड़ जाए ना तो दिन में तारे नजर आने लगे। अरे हमें तो तारे उस लड़की ने दिखा ही दिए। ए दुर्दाना की बच्ची, इसे फंसा रही है। देखो कोई तो लगा मारा फंसेगा। अच्छा बाबा ये तो बता कौन सा नंबर है? हाँ ट्राई कर रही हूँ। ड्रीमलैंड खाबों की बस्ती। देखिए कमरा नंबर 6 में कौन रहता है? खादिम हुसैन जिसल वट्टा। 7 नंबर में? खादिम। और 8 नंबर में? आपका खादिम। लगता सारी मर गए। जी हाँ, एक ही वजह है। हाँ मिस है, आपको क्या कमरा चाहिए? जी नहीं। फिर आपको किसी से मिलना है? हाँ हाँ किसी से मिलना है। अच्छा किससे? किसी नौजवान और खूबसूरत लड़के से। हाय निकल आई मेरी लॉटरी। आपका मतलब क्या है मेरी चलती फिरती हसीना? देखिए मरीन हम बिल्कुल अकेले हैं, बोर हो रहे हैं, तफरी के लिए कोई तो होना चाहिए। कोई तो होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए साहब। मेरे मुताबिक क्या ख्याल है आपका? वैसे आवाज तो बहुत खूबसूरत। अरे साहब चेहरा मोरा भी ठीक ठाक ही है, मगर कुछ डेंट शेंट लगे हुए हैं। हाँ और हाँ एक चीज और बता दूं आपको, सन जो है वो है 20 का, कयामत है कयामत। बस यूं समझ लीजिए जैसे चिलगोजे पर जवानी आ गई है। तो आप मेरे बॉयफ्रेंड बनेंगे? अरे साहब बनेंगे क्या, बन गए हम बॉयफ्रेंड तो क्या, आपके माँ के दामाद तक बनने के लिए तैयार। रहते मोहतरमा तशरीफ तो बना रही। नहीं हम नहीं आते, आप खुद आइए ना। अल्लाह हम तो आ जाए, लेकिन कहाँ आए? कश्मीर पॉइंट। हाँ पूरे 11 बजे। 11 बजे
ओ माय गॉड, अब तो पौने 11 बजे। अच्छा तो लेकिन मोहतरमा, मैं आपको पहचानूंगा कैसे? देखिए मेरे हाथ में सुर गुलाब का फूल होगा, उसे पहचान लेना, प्यार से बुला लेना। ओह रियली? प्यार से तो मैं ऐसा बुलाऊंगा कि आप देखिएगा। अच्छा तो फिर मैं अभी आया। ओके खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। वैसे प्यार में मुझे मकसूद कहते हैं, और मुझे मकसूदा की तमन्ना है तो बेटा मुझे मिल जाए। कहाँ है दुपट्टा? बेटे बेटा कहाँ है? दुपट्टे पे। ये दोनों कहाँ है? दूसरे पे। अरे नजर आ गया, क्रिंग क्रिंग करके ये गया और ये आया है फिर। अच्छा नजर आ रही हो तू? ऐसे दुपट्टे नजर आ रहे हैं? मैं तो एक घंटे के चक्कर में फंस के आ रहा है। मकूदा बाबू, बाबू तुझे सब जगह ढूंढा, तू इधर बैठे। कभी कभी अकेले रहने को भी दिल करता है। तो फिर मैं जाऊं? आजा। तुझे एक बड़ा जरूरी काम है। क्या काम है? अगर तू मेरा एक काम कर दे ना बाबू, तो रानी के सीने में ठंड पड़ जाएगी। कुछ देर के लिए सुख मिल जाएगा इस बेचैन दिल को। ए, जरा पीछे हट के बैठ। बाबू जो काम मैं तुमसे करवाने आई हूँ वो पीछे रहकर नहीं हो सकता। रानी। बाबू एक खत लिख देना मेरे बाबू के नाम। खत तेरे? तो तू मुझसे मुंशीगिरी करवाने आई है? चल लिखवा। हाँ लिखते बाबू। क्या लिख दूँ? हाँ लिखते बाबू, कि अब के हमारी वादी में फिर से बहार आई है। हर रोज बरखा बरसते हैं, मगर तेरी रानी तेरी जुदाई की आग में चली। और सबसे जरूरी बात ये लिखते बाबू कि अब तो आ जा, अब रानी से और इंतजार नहीं हो गया। और कुछ या बस? बस। अब पता लिखवा। पता? तुझे नहीं पता? ला ये खत मुझे दे दे। ये प्यार भी कितना पागल है। Mm-hmm.
से खड़ी हूँ मेरे नैनों में चल के पागल परदेसिया में पागल तरस गई है आँखें तब से खड़ी हूँ मेरे नैनों में चल के दिन मेरे हाथे चढ़ गई ना तो सबको इश्क में मुबतला कर दूंगा बारी बारी। प्यार बड़ा है आशिक, क्यों तू उनके हाथे चढ़ गया ना तो तू जाएगा। मोरा की बस्ती इतना सोती है, इतना सोती है कि बेड़ा फर्क हो गया। सुबह से बैठे बैठे बोर हो गए। या अल्लाह किसी को तो देख जिसे बेवकूफ बनाए। एक और उल्लू आ रहा है, उल्लू नहीं उनका पत्ता आ रहा है। अरे जिसे कल उल्लू बनाया था वाइफ का सस्ता तो मजा आ जाता। क्या तुम छुप जाओ, आने दो देखा जाएगा। आना तुम इसका
ਅੱਖੀ ਦਾ ਉਪਲਾ ਅੱਜ ਹੀ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੂਡ ਸ਼ੋ मेरा मतलब आपका नाम क्या है? मन्ना ट्रंक और मोहब्बत की गैंग। अच्छा नाम है। अच्छा आपको पसंद है तो आप रख ले, मैं कोई और रख लूँ। आप एक बार मौका तो दे, बार बार मेरी हड्डी पे आएंगे। What? No, but pay clear karma जी। By the way मेरा नाम आशिक है। यानी पर। हाय इल्ला। आशिक क्या ऐसे होते हैं? और क्या आशिकों के सरों के सींग होते हैं? है कभी, लेकिन अब गायब हो गए बेचारे। पता ही नहीं चला। ये क्या करते हो? आई लव यू आई टू। थैंक यू आशिक जी। जी 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 क्या बात है, मुझसे इश्क करते हैं? हाँ बाकी सच्चा, विटामिन ए और डे से भरपूर। बिल्कुल सच्चा, बिल्कुल सच्चा। ये तो इश्क कुर्बानी मांगता है। ईद कुर्बान पे ये दुम्बा खुद ही हलाल होके हराम हो जाएगा। वैसे भाई देवे तुम्हारी शर्ट बहुत खूबसूरत है। अच्छा, और मुझे बहुत पसंद है। हा? क्या तुम इसे मुझे दे सकते हो? तुमने इसमें रोटियां लानी है? नहीं, मैं इसका नैपकिन बनवाऊंगी। वैसे तो सूट भी निकल आएगा। उतारो 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 उतारो। और कोई हुक्म? बाई दादा ये देखी थी? नहीं नहीं नहीं, ये मेरी नानी की मरी हुई निशानी है, ये पानी से जलती है। तुम जाओ। इन हालात में कैसे जा सकता हूँ? मेरा ख्याल है अब आप ही स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन ले और तालाब में चल के नहाते हैं दोनों भाई बहन। दोनों नहाएंगे तो बड़ा मजा आएगा, डुबकी लगाएंगे। मेरा काम करोगे? अब कौन सा काम बाकी रह गया? एक काम बाकी रह गया। कौन सा? इसी तरह। हाँ, इसी तरह लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट करते हुए नाक की सीट में चलते जाओ। अच्छा, खबरदार होकर मत देखना वरना पत्थर हो जाओगे। तुम अलादीन की फूफी हो? अरे इसकी पहली कामयाबी वर्जिश है, वर्जिश किताब नहीं है। क्यों नन्ही सी जान को तकलीफ दे रहा है यार? मेरा वास्ता भी तो पहलवान से पड़ा रहा है ना, ये समझ लो इश्क ये जा रहा है और मैं ये जा रहा हूँ। टिंग 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 टिंग। ओए हॉल्ट वे, मैं तो अच्छा वाला था, तुझे क्या हुआ? अरे मेरे साथ जो कुछ हुआ है वो मैं नहीं बता सकता। मैं क्या हो गया है? मैंने कहा हाँ आई लव यू। हाय 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 हाय, तो उसने कहा होगा आई डू। नो देन उन्होंने मेरे कपड़े उतरवा लिए। बस बस हो गया, तो इन लड़कियों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। पर कैसे? शुक्रिया वक्रिया की तो बात नहीं है, लेकिन आप यहाँ ना घुमा की, अगर आपको बहुत शौक है ना
तो बंदे को साथ ले लिया करें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ क्या काम दिखाया ये साहब का नोट 25-25 कर दो। ये क्या कर रहे हैं? लो फिर खुद ही बांट लो आपस में। ये तो बहुत कम है, आपने तो मुक्के मार मार के हमारे चारों से जबारे दिला दिए। देखो भाई फिर मुक्के ही मार लो, नोट तो और है नहीं। कोई बात नहीं, मेरी तरफ से ले लो। के लिए ना प्लीज। मगर ये नोट आप मुझे किस लिए दे रहे हैं? क्यों नोट? इसलिए। अच्छे यार यार मुसीबत में छोड़ के जा रहे हो, नहीं जाओ यार। मैं जरूर जाऊंगा, तुम्हें किसी कीमत पर नहीं जाने दूंगा। और मैं किसी कीमत पे यहाँ नहीं रहूंगा। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्यों? बहुत बेइज्जती हो चुकी। तो बात याद लाहौर बना खुद मेरी जान, इसमें सब कुछ होता है। इसमें उल्लू बनना पड़ता है, बल्कि उल्लू का पट्टा बनना पड़ता है। और तुम इतनी जल्दी घबरा गए? चुप बे अंधे, मुझे समझाना है। समझाइए। देख यार मेरे इश्क की दुनिया वीरान हो जाएगी, नहीं जाओ। भाड़ में गया तेरा इश्क। अच्छा इसका तो भाड़ में गया, मेरे इश्क के मुताबिक क्या ख्याल है? भाई कसम तबाह हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, उजड़ जाओ। अरे उजड़ जाओ, दलील होने से बेहतर। अच्छा ये बात है, जाओ जाना तो चले जाओ। तुम क्या समझते हो तुम्हारे बगैर हम कुछ कर नहीं सकते? अरे जाओ। देखो यार चला गया, चला गया तो चला जाए। अभी तो वहां चला गया, हम अकेले क्या करेंगे? अब पुट्टे भूनेंगे। चला गया, चला गया, चला गया, चला गया। मैं फिल्म इस ख्याल से फिर आ गया हूँ। मैं शायद मुझे निकाल के पछता रहे हो आप, पर कोई बात नहीं, जैसे आपकी मर्जी। अरे असल ईमान किया आमिर, तुम भाव से भी पूछते। अच्छा अब बताओ दीदी, क्यों आंखें निकाल निकाल कर देखते हैं और कहते हैं आई लव यू? दीदी ये आई लव यू का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ए रानी क्या हो गया तुझे? तुम्हें अपने बाबू को नहीं याद आ गया? याद तो वो आते हैं दीदी जी, जिन्हें भूला जाए। याद तो हतम मेरे साथ है। दोनों भाइयों की या तुम्हारी? अजी मेरी छोड़िए, मेरा भाई आउट ऑफ फोकस ना जाए। जी जी खूबसूरत सा पोज बना देते हैं आपको। लगता है फोटोग्राफी का नया नया शौक है आपको, जरा कैमरा दीजिएगा। अब मेरा भाई हम दोनों की अच्छी तस्वीर खींचेंगे। दिल 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 लुट गया, प्यार 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 हो गया। दिल 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 लुट गया, प्यार 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 हो गया। तकरीबन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तकरीबन 100 साल से तेरे पीछे हूँ। प्लीज कुछ काम कीजिए ना। तकरीबन 100 साल से तेरे पीछे हूँ, अरे कब से तन्हा नील गगन के नीचे हूँ। दिल 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 लुट गया, प्यार 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 हो गया। पगला कहीं का Thank you.
दीवाना हूँ मैं तेरा। तौबा इतने फंस गई यहाँ। आशिक हूँ सौदाई हूँ दीवाना हूँ मैं तेरा। इन तीनों में जो चाहो तुम नाम को रख दो मेरा। ये आंखें जो खेली मर जाऊंगा, अरे मर के भी सपनों में मिलने आऊंगा। दिल 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 लुट गया। अच्छा? प्यार 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 हो गया। अरे बाबा हो गया है तो मैं क्या करूं? अच्छी नहीं जाजा। थोड़ा सा चाहत से अब काम लो, अरे गिर ना जाऊं पढ़ के मुझको थाम लो। दिल 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 लुट गया। प्यार 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 हो गया। तकरीबन 100 साल से तेरे पीछे हूँ, अरे कच्चे तन्हा नील गगन के नीचे हूँ। दिल 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 प्लीज आप मुझे जाने भी दो। शौक से जाइए, लेकिन एक शर्त है। वो क्या? कल हाँ ड्रीमलैंड कॉटेज में हाँ हाँ आप मेरे साथ लंच खाएंगे। लंच ड्रीमलैंड कॉटेज? जरूर जरूर, क्यों नहीं। मगर मेरा कैमरा? आप घबराइए, मेरे भाई साहब बड़े जिम्मेदार आदमी, कल आपका कैमरा पहुंच जाए। अपने भाई साहब को मेरा सलाम कह दीजिएगा। भैया जरा बाहर तो आओ। ऐसी आया। सलाम अलैकुम। बाहर है कल सलाम पुत्र, तेन मुबारक हो। सुनिया तू सारी दुनिया ही फसता है। और सारी दुनिया में नहीं, अपने कॉलेज में यार। क्या जहल आदमी हो तुम भी। ओए चप्पल चुनाती है पुत्र, मैंने तो आखना जहल। अरे जाने तो चाचा, क्या कर रहे मेरी खाद जाने। या कसम खुदा की तुमने छुड़ा लिया, वरना मैं इसका खून पी जाता। तुम भी जाने दो भैया। वैसे तुम्हें मुबारक आमिर भैया। शुक्रिया। ओए खाली झूठिया मुबारक ही दे जाएगा, तो मठियाई शिकाई भी मंगा। ओए साडे वाल वेख, पास होने की खुशी च ते महल्ले वाले का फर्ज है। ला पुत्र मठियाई नाले आप खा, नाले साडी भैन नु खवा। और अब प्यारे मुलाजमत इक अव्वल दर्जे की करना। बस दुआ करो भैया। पुत्र आमिर साडी जी अल्लाह अगे दुआ है कि तू सैंपल भरने का कोई अफसर लग जाए। असी तरीखा भुगत भुगत के बुढ़े हो गए हैं, चार दिन असी भी सुख दे गुजार लांगे। अमर नहीं चाचा, अमर यार अपन की तो ये ख्वाहिश है कि तू को बहुत बड़ा पुलिस अफसर बन जाए, आगे हम भी खुल खुला के जेब पॉकेट का काम कर सकें। हम भी शुक्रिया। हेलो हाँ चौधरी साहब, सब की पे कर दो, इन्ने दिन ला दिते जे तुसीं, पहले तो कभी इन्नी देर नहीं हो। देखो जल्दी कर दो, कल परसों तक कर दो, जिन्नी देर लाओगे नुकसान ताड़ा ज्यादा है, मेरा घर ठीक है। बस पक्का वादा। हाँ अच्छा जी, खुदा हाफिज़।
हेलो हेलो अमित, मैं मोना बोल रही हूँ। मोना? तुम्हारी मोना? मेरी मोना तो इंसानों के हुजूम में कहीं खो गई। आमिर, इंसान खो जाए तो कभी ना कभी मिल जाता है, और अगर मोहब्बत खो जाए तो इंसान मर जाता है। तुम्हारी मोना तुम्हारे साथ साय की तरह रही है, शकी नहीं आता तो अपने दिल से पूछो, वो आज भी मेरे लिए धड़क रहा है। तुमसे बिछड़कर इस दिल पर क्या बीती ये तुम नहीं जानते, और आज तुम्हारी आवाज सुनकर क्या महसूस कर रहा ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। ओहो, गिले शिकवे छोड़ो, अभी उठो इसी वक्त। क्यों? मेरी मर्जी। वरना मैं मसरूफ हूँ, मुझे काम। ए, काम जरूरी है नहीं? ऐसा ही समझ। अच्छा, ये बात है। मेरी आंखें खुद ब खुद तुम्हें तलाश करने की। जाने दो।
है, इंटरव्यू का टाइम याद दिला दूंगा। वाह वाह, क्या हादसा है, क्या मुशाहिदा है भाई, क्या अंदाज भाई। वाह खुदा आमिर साहब, आप जैसे तीन चार नौजवान हमारी कंपनी में आ जाए तो इस कंपनी के दिल फिर जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे मुलाजमत के काबिल समझा। ओहो भाई, मुझे यकीन है कि एक दिन हमारी कंपनी आप पर नाज करेगी। भाई वैसे आप ऐसा करें, कुछ दिन काम करें, मैं आपकी जहानत को सामने रखते हुए आपकी तरक्की के लिए डायरेक्टर से सिफारिश करूंगा। हेलो, शी खान बोल रहा हूँ। जी जी, रशीद खान जी, साहब के भांजे जावेद हुसैन जी। मगर मैंने तो बहुत जरूरी है। जी जी, कैसे आप कहती? मुझे अफसोस है मिस्टर आमिर। क्या हुआ सर? सिफारिश आ गई। मैनेजिंग डायरेक्टर साहब का यह हुक्म है कि उनके दोस्त के एक भांजे को वो पोस्ट दे दी जाए जिसके लिए आप उम्मीदवार थे। लेकिन आपने तो इश्तहार में दिया था कि काबिलियत की बिना पर यह आसामी पुर की जाए। भाई वो इश्तहार भी मैनेजिंग डायरेक्टर साहब ने दिया था और उसकी सिफारिश भी मैनेजिंग डायरेक्टर साहब ने ही की है। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको सलाम नहीं कर रहा सर। तो फिर जरा घूम कर देखिए, जो बात आपसे कहने की जरूरत मैं नहीं कर सकता वो शायद आपको ये तस्वीर समझा। नौकरी मिली या फिर रोज की तरह हुई? नहीं भैया, रोज की तरह वही जवाब, नो वैकेंसी, नो नौकरी। जो नौकरी अखबार में होती वो मेरी किस्मत में नहीं। जनाब, अब नौकरी भी करोगे या कोई और काम करोगे? अब नौकरी नहीं। नौकरी नहीं चाहिए? क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ मम्मी, मैं नौकरी ढूंढते ढूंढते थक गया। आज मुझे बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ कि काश मेरा बाप एक मजदूर होने के बजाय कोई चोर डाकू या स्मगलर होता। ये तुम्हारी सोच है। औलाद तो जवान होकर माँ बाप का सहारा बनती है, उनका नाम रोशन करती है। अब तुम कैसे बैठे हो मरे हुए बाप के? माफ कर दीजिए अम्मी, परेशानी में न जाने क्या क्या निकल गया, कुछ माफ कर दीजिए। Yes.
फरमाइए। आप टीके लगाने आए? मैंने सुना है आपकी आपकी ना बाप की। मिल है मालकों की, मैं तो सिर्फ मैनेजर हूँ। अब सिर्फ ये करना है कि हम जितना मिल में माल बनाते हैं और कुछ वक्त तक मार्केट में नहीं भेजते जब तक हम उसको सेट नहीं करते हैं। और सेट आप मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे ठहर जाओ भाई मुन्ना, वरना थोड़ी देर बाद तुम्हें चाय के वापस जाना पड़ेगा। मैं बायर नहीं सर, मैं तो आपकी मिल मजदूर भर्ती होने आया हूँ। मजदूर भर्ती? मजदूर की जगह ये नहीं है, मजदूर की जगह हमारे दिल। थैंक यू सर। पहले कहीं काम किया? नहीं, पहला चांस। काम सर जो सीखने की उम्र थी वो पढ़ाई की नजर। उम्र तो आप भी ठीक जी। मेरा मतलब तुम्हारी क्वालिफिकेशन से। जी मेरे पास BA फर्स्ट डिवीजन की एक बेकार सी डिग्री। बेकार डिग्री देना? इसलिए सर कि हमारे मुल्क में डिग्रियां बहुत ज्यादा है और कुर्सियां बहुत कम। डिग्रियां तो सभी हासिल कर लेते हैं लेकिन कुर्सी किसी किसी को मिलती है। तुम्हारे हिस्से में कुर्सी नहीं आई तो तुम BA की डिग्री को बेकार करके बागी हो गए? बागी नहीं सर, मजदूर कही। मुझे यकीन है मैं अपनी तालीम की रोशनी में एक दिन मजदूर से बड़ा आदमी जरूर बन जाऊंगा। पहले मेरे को तो पूछ रहे हो अभी मैं तुम मजदूर रख रहा है कि नहीं? अभी तो आपने कहा था कि मजदूर की जगह आपके दिल में है। ना ना, मजदूर की जगह सिर्फ मेरे दिल में नहीं बल्कि मेरी गट रखते। खुदा की कसम अगर सभी नौजवान तुम्हारे अंदाज में सोचने लगे और मजदूरी की अजमत को समझने लगे और डिग्री को अपनी अनार का मसला ना बनाए तो हमारे मुल्क की किस्मत क्या होगी? अमर तू ते अफसर बनना सी, ऐ की बनना है? तू ते फर्स्ट आया सै, घरे चाली इम्तिहान नहीं दिता सी। कहीं तो अपन की शागिर्दी करता ना तो इस मुल्क का सबसे बड़ा पाकटमार होता। मिया मिर्चों में इंटर पीस पीस के मिलाता तो इन 15 वर्षों में करोड़पति हो चुका होता। हम ऐसे ही तो है मानते रहे कि ये बड़ा अफसर बनेगा। अपनी दुआओं को अपनी खुदगर्जी के कफन में लपेट कर दफन कर दो। तुम्हें ये लिबास इसलिए बुरा लग रहा है, मेरे अफसर ना बनने का इसलिए दुख है कि तुम इसे कूट कर नृत्य में नहीं मिला सकते, तुम दूध में पानी नहीं मिला सकते और तुम, अरे तुम लोगों की जेब नहीं काट सकते। बेईमानी के इस दौर में मजदूर बनकर जिंदा रहने का फैसला मैंने खुद किया है। अफसर बनने का हर हाथ मैंने अपनी आंखों से मिटा दिया। इतनी जल्दी तो आसमान पे रॉकेट नहीं जाता जितनी जल्दी टोम ऊपर से ऊपर जा रहे। आप जानना की है सर, मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। ना नहीं बन सकता, मेरे जैसा बनने के लिए तो मैं रोजाना 3 देग चावलों की खानी पड़ेगी। मेरा ये मतलब नहीं था सर, मैं आप ही होते तक पहुँचना चाहता हूँ। मतलब है कि मेरा ही पिता भिजवा चाहना? इसका मतलब यह है कि मैं आज से ही दूसरी जगह ट्राई शुरू कर। सर जब तक मैं यहाँ पहुँचूंगा आप तो बहुत आगे पहुँच चुके होंगे। बहुत आगे से क्या मुराद है आपकी? बहुत आगे। खुदा ना करे सर। बैठो आमिर, अब मिल में तुम्हारी हैसियत वो नहीं जो पहले थी। अब तुम ऑफिसर, ऑफिसर और मजदूर के दरमियान एक फासला होता है।
से कम करने की कोशिश करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओ। सर, तरक्की की खुशी में मजदूरों ने मेरे गले में हार डाल दिए और मैं हार पहनाने तक तो ठीक था, लेकिन तुम उनके साथ जुलूस में शामिल हुए, ये गलत है। सर, ये मजदूर बेचारे बड़े सादा देखते हैं, इनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं, पूरी हो जाए तो बहुत खुश होते हैं। एक बात याद रखो मिस्टर फोरमैन, मजदूरों की ख्वाहिशात छोटी छोटी रहेंगी तो तुम बड़ी से बड़ी तरक्की पाओगे। आप कहना क्या चाहते हैं? सिर्फ इतना कि तुम्हारी आंखों को मिल्क का मुफाद पहले देखना है और तुम्हारे दिल को मजदूरों का एहसास बाद में करना है। तुम्हें गले इसलिए लगाया है कि मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि अब तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई फासला नहीं है। अब तुम इस फैक्ट्री की सबसे बड़ी पोस्ट के मालिक हो। सर, मैं किस जबान से आपका शुक्रिया? अरे भाई, शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, हमने तो तुम्हारी मेहनत का मुआवजा दिया है। जानते हो, इस साल हमारी फैक्ट्री को जितना मुनाफा हुआ है इससे पहले कभी नहीं हुआ था। सर, इस मुनाफे में मेरी मेहनत से ज्यादा मजदूरों का हाथ है। मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरी तरक्की रोक दें, लेकिन मजदूरों को बोनस दें। आई एम सॉरी आमिर, मजदूरों को बोनस देना अब हमारे इख्तियार में नहीं है। तो फिर किसके इख्तियार में है सर? तुम्हारे। तुम चाहो तो जितना बोनस तुम्हारे दिल में आए अनाउंस कर दो। थैंक यू सर। एक बात सुनो आमिर। यस सर। गाड़ी की चाबी और ये बंगले की रजिस्ट्री, ये क्या है सर? अरे भाई, तुम्हारा बोनस है बेटे। मेरा बोनस? अभी तो एक सरप्राइज और है, और ये है तुम्हारा इनविटेशन कार्ड। आज शाम हमारे यहाँ पार्टी है, तुम्हारा आना बहुत जरूरी है, समझे? जरूर आऊंगा सर, जरूर आऊंगा। थैंक यू। ठीक हूँ। हेलो शाजिया, कैसे हो तुम? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे शैतान, इतना लेट। सॉरी सर, आपकी ये तमाम खुशियां देखकर चखा चांदी रह गया। और अब ख्वाबों की दुनिया से वापस आ। माना ये है मिस्टर आमिर, जिनकी वजह से आज हम इस मुकाम तक पहुंचे। ये है मोना, मेरी बेटी, कल ही अमेरिका से आई। अरे मिर्जा साहब, मोना आमिर। पहचानो मोना, पहचानो, मैं ही तुम्हारा आमिर हूं। अगर मैं तुम्हारी मोना हूँ तो तुम्हारे कदम क्यों रुक गए? कहीं तुम्हारी दौलत मेरे प्यार की दीवार तो नहीं बन गई? कहीं तुम्हारी बुलंदी मेरे प्यार की बस्ती तो नहीं बन गई? जल्दी से आगे बढ़ो, वरना मेरा शक यकीन में बदल जाएगा आमिर। मोना, हम मुंह क्यों ना मोड़े? सारा जमाना हम पर हंस रहा है। हमने ये पार्टी तुम्हारे ऑनर में इसलिए तो नहीं सजाई थी कि तुम हमारी इज्जत पर कीचड़ उछाल। मालिक और नौकर के दरमियान वो फासला खत्म कर दो, जो कायम रहे तो इज्जत बन जाती है, मिट जाए तो जिल्लत बन जाती है। मैंने ये फासला बहुत सोच समझ कर खत्म किया है डैडी। आमिर मेरे उस वक्त भी साथ रहा जब वो सिर्फ स्टूडेंट था, आपका मुलाजिम नहीं। तुम स्कूल की सजा हमें देना चाहती हो? ये सजा कैसी है डैडी?
आपने कहा था अगर मेरी कोई पसंद है तो मैं बताऊं। तो फिर सुन लीजिए, हमें मेरी पसंद है। आमिर, हमें भी पसंद है एक वर्कर की हैसियत से, सेठ फरासत अली के दामाद की हैसियत से नहीं। गुजारनी है डैड, मुमकिन है जो आपकी सोच हो उसकी कीमत मेरी नजर में जीरो हो। तुम जो चाहते हो मैं उसे कभी पूरा नहीं होने दूंगा। मोना जो सोच रही है वो एक ख्वाब है। तुम जो जाल बुन रहे हो उसका एक एक फंदा मेरे इशारे पर कटकर गिर जाएगा। मैं अपनी इज्जत, अपने वकार और अपने रुतबे को तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा कीमती समझता हूं। जब जबान ही तलवार बना ली है तो फिर इस बारूद की क्या जरूरत है? जरूरत है। मैं अपनी इज्जत और तुम्हारे अंजाम के दोहराए पर तुमसे एक अहद चाहता हूं। कैसा अहद? तुम मोना की जिंदगी से उस कांटे की तरह निकल जाओ जो राह चलते पांव में चुभता है और फिर निकाल कर फेंक दिया जाता है। इसके बदले में इस ब्लैंक चेक पर जो रकम चाहो भर लो। आप चाहते हैं मैं दौलत का चेक कैश कराकर मोहब्बत का चेक डिसऑनर कर दूं? नहीं शेख साहब, नहीं, मुझे इस चेक की जरूरत नहीं। शेख साहब, आप अपनी दौलत की दीवारें जितनी चाहें ऊंची कर दीजिए। मैं मोहब्बत की किरण बनकर मोना के दिल तक पहुंचता रहूंगा और ये उस वक्त तक होता रहेगा जब तक मेरी जिंदगी का चराग बुझ नहीं जाता या आपके दिल के अंधेरे दूर नहीं हो जाते। फिर सोच लो आमिर। सोच कर दौलत कमाई जाती है शेख साहब, मोहब्बत नहीं। जिंदगी बार बार नहीं मिलती आमिर। मोहब्बत भी तो एक ही बार मिलती है शेख साहब। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं मोना का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें मोना के दिल और इस दुनिया से एक साथ निकाल दूंगा। मुझे कत्ल करना है तो कोई किराए का कातिल खरीदिए शेख साहब, या किसी से हौसला मांग लाइए। दौलत का हिसाब करने वाले ये हाथ किसी की आखिरी सांसें कभी नहीं गिन सकते। शेख साहब, अगर आपने आमिर को नौकरी से निकाल दिया तो मजदूर काम करना छोड़ेंगे। ये गलत है, ये सही। मिल के तमाम मजदूर और कारीगर आमिर से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करते हैं। आमिर, 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 मैं इस फैक्ट्री में ऐसे लाखों आमिर पैदा कर सकता हूं। वो तो ठीक है सर, लेकिन मेरी कुछ नहीं। आज के बाद आमिर इस फैक्ट्री में एंटर ना, उसकी छुट्टी करा दो, समझे? ये काम मैं नहीं कर सकता। मैनेजर, जिस पत्थर को तराश के मैंने शाहकार बनाया है मैं उसे अपने हाथों से नहीं तोड़ सकता। इसकी सजा जानते हो? जानता हूं। मेरा इस नौकरी से इस्तीफा है। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम्हारा इस्तीफा मंजूर किया जाता है। ना कहना। भाई आमिर के बगैर मिल नहीं चलेगी। हमने तो सुना है भाई आमिर को दौलत का लालच दिया गया लेकिन आमिर ने ठोकर मार दी। अरे सेठ की लड़की मोना भी तो आमिर पे जान देती है। की कसम खाते हैं हम, बिछड़े ये दुनिया ना बिछड़ेंगे हम। Thank you.
और चला जाए वादा है मेरे सनम बदले ये दुनिया ना बदलेंगे हम आपकी कसम सदका है तेरी जुल्फों का सदका है इस दुनिया ने क्या रखा है ए प्यार का रास्ता तेरी आगे प्यार का रास्ता तेरी आंखें मेरी मंजिल तेरी बाहें करते रहो यूं ही नजरें करो दिल तो है क्या जाल दे देंगे हम आपकी कसम सांसों में खुशबू के बदले हे सांसों में खुशबू के बदले मैंने तेरा प्यार रचाया आपकी कसम खाते हैं हम बिछड़े ये दुनिया ना बिछड़े हम आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं अरे लहजे में बदतमीजी झलक रही है आपने कहा था कि सच बोलना बहुत अच्छी बात है तो आज हम तुम्हारे मुंह से एक और सच्ची बात सुनना चाहते हैं बोलिए तुम्हें हमारी जिंदगी अजीज है या मेरी मोहब्बत आपको अपनी बेटी की खुशियां प्यारी है या अपनी बेजाजत जो हमने पूछा है उसका जवाब मेरा सवाल ही आपका जवाब है जब फैसले जबान न बन सके तो फिर ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है क्या क्या कर रहे हैं डैडी अपनी जिंदगी को खत्म कर देना चाहता हूँ जिसे तुम अपने रास्ते की दीवार समझते हो डैडी नहीं हमें रोकोगी तो हमारे जीते जी आमिर इस घर का दामाद नहीं बन सकेगा हमें मत जाने दो मुझे ऐसी खुशियां नहीं चाहिए जो आपकी जिंदगी के बदले में मिले मुझे ऐसी खुशियां नहीं चाहिए गजब हो गया सर क्यों क्या हुआ
सागर इंजीनियरिंग वालों ने आमिर को जनरल मैनेजर की पोस्ट की ऑफर की है। 10,000 रुपए तो हाँ भी दी है। वो अपने साथ तमाम कारीगर और लेबर ले जा रहा है। क्या कह रहे हो मैनेजर? मैं सच कह रहा हूँ सर। तुमने लेबर को तनख्वाह बढ़ाने की ऑफर की थी? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी सर, लेकिन इस मिल में कोई भी काम करने को तैयार नहीं। मिल चलनी चाहिए मैनेजर, लेकिन शायद आमिर के बगैर नहीं सर। तुम भी यही कह रहे हो? क्या करूं सर, आमिर के बगैर तो आमिर। उसका नाम मेरे सामने मत लो मैनेजर, उस मुस्ताफ ने मेरे मुंह पर कालक बनती है। सोच लीजिए सर साहब, मिल नहीं चलेगी। मिल को चलना चाहिए, हम इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो फिर आमिर? फिर वही आमिर। फिर मिल बंद रहेगी सर। बंद आमिर को दूसरी मिल में जनरल मैनेजर की पोस्ट। आमिर के बगैर नहीं चलेगी। नहीं नहीं नहीं, आमिर को वापस आना होगा। मिल जरूर चलेगी, जरूर चलेगी। आओ आमिर, वहीं रुक जाइए शेख साहब। वो फासला खत्म कीजिए जो आप मजदूर और अफसर के दरमियान कायम रखने के आदि हैं। लेकिन मैं आज हर फासला खत्म कर देना चाहता हूं आमिर। अपनी जरूरत बताइए शेख साहब। मैंने सुना है कि तुम सागर इंजीनियरिंग ज्वाइन करना चाहते हो। अभी ज्वाइन नहीं किया, सौदा हो रहा है। ये सौदा मुझसे नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश और शर्त मानने के लिए तैयार हूं। मेरी ख्वाहिश और मेरी शर्त के मुतालिक आप अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। मेरी ख्वाहिश मौन और मेरी शर्त मजदूरों के लिए रिहायशी प्लॉट। रिहायशी प्लॉट मिल सकते हैं, लेकिन मोना मोना नहीं मिल सकती। वो अमेरिका वापस चली गई। नहीं नहीं, आप झूठ बोलते। मोना मुझसे मिले बगैर अमेरिका नहीं जा सकती। इस झूठ के पीछे जरूर आपकी कोई नई चाल है, वरना जो जिंदगी भर साथ देने का वादा करते हैं वो इस तरह साथ नहीं छोड़ा करते। तुम गलती पर हो आमिर। मोना को तुमसे कोई इंटरेस्ट है और ना कभी था। वो अमेरिका के एटमॉस्फेयर में पलने वाली एक आजाद ख्याल लड़की है, इसलिए तुम्हारे साथ वक्ती तौर पर उसने दोस्ती का रिश्ता जरूर कायम किया, वरना वो अपनी जिंदगी का साथी बहुत पहले से चुन। आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे सच का सबूत ये तस्वीर है। ये ताहिर है, मोना का मंगेतर। मोना अमेरिका इसी के पास गई। बहुत जल्द इन दोनों की शादी होने वाली है। हेलो, अमेरिका से मोना की कॉल है, मिलाओ। हेलो मोना बेटी, हाउ आर यू? अब मिल चल जाएगी। क्या कहा? आमिर को रख लूं? हाँ ठीक है। सुनाओ, सफर तो खैरियत से गुजरा? और वो ताहिर एयरपोर्ट पर आ गया था। गुड, वेरी गुड। अच्छा देखो मन में। हाँ हाँ, मैं अगले माह इंशाल्लाह जरूर आऊंगा। और सुनो, ताहिर को मेरा सलाम कह। ओके, गुड बाय। अब क्या फैसला है तुम्हारा? आप जीत गए साहब, फैसला आपके हक में हुआ। कल मैं अपनी मोहब्बत का जनाजा लेकर इस शहर से चला जाऊंगा। अम्मी, क्या बात है, कुछ खाने वाने को नहीं मिलता इसे? क्या बताऊं बेटे, कुछ दिनों से इसकी यही हालत है। बात भी कम करता है, हर वक्त उदास रहता है। छोड़ो यार, तेरा चेहरा तो देखो, 12:15 बज रहा है, 12:15। एक हमको देखो खुदा ये कसम, क्या इंडिपेंडेंट चांस मिला है। अरे यार, वो मैं बताना भूल गया, वो अपना मोटू था ना, मोटू, वो अपनी वेल मछली के साथ फॉरेन कंट्री चला गया और यहाँ बगैर क्लेम के एक अदद होटल के मालिक बन बैठे। बहुत खुश नसीब। तो अम्मी शुक्र है, मुंह तो खुला। आमिर, खुदा ये कसम तेरे बगैर उदास हो गया था। तुझे तो मैं टेलीग्राम करने वाला था, लेकिन अच्छा हुआ तू आ गया। अब ये खुशखबरी सुन, खुशखबरी ये है कि माँ बदौलत ये होटल आपके नाम करके खुद अमरीका जा रहे हैं। अमेरिका? अमेरिका यार आमिर, अमेरिका में खुदा ही कसम कितना मजा आएगा, तुम सोच भी नहीं सकते। मैं कह रहा था आमिर,
क्या हुआ मम्मी से? क्या पूछते हो बेटे? एक लड़की है मोना, उसी की खातिर उसने ये हालत बना रखी है और वो अमेरिका चली गई है। क्या मोना अमेरिका चली गई है? आमिर से ये उम्मीद नहीं थी कि वो बिक जाएगा। चलो अभी चलो काम करें, माल खुद खा गया और हमें रोटी से भी मोहताज कर गया। हर शख्स की जबान पर एक ही बात है, आमिर बिक गया है, शहर छोड़कर कहीं भाग गया है। यही बात हम कहते तो शायद तुम्हें यकीन ना आता। तुम्हें तो खुश होना चाहिए मोना कि उसकी असलियत बहुत जल्द हमारे सामने आ गई। अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा कि हमने आमिर की मुखालफत किसी जिद की वजह से नहीं, तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल की वजह से की थी। आंसू पूछ डालो मोना, तुम्हें किसी को रिसीव करना है। कौन आ रहा है? ताहिर, तुम्हारे बचपन का साथी, जिसकी रगों में खानदानी खून है, जो आमिर की तरह तुम्हें डॉच नहीं करेगा। लोगे बाबू? अरे बाबू, तूने अपनी क्या हालत बना रखी है? तू तो पहचाना ही ना बाबू। हैरत है, तूने मुझे कैसे पहचान लिया? अब तो मैं अपनी पहचान भी भूल गया हूँ। कि तेरी सूरत में रानी को अपनी सूरत नजर आवे है, तो तू मुस्कुराना भी भूल गया बाबू। और मुस्कुराना वही भूले हैं जिसे कोई छोड़ जावे है। कोई छोड़ जाए तो सबर आ जाता है रानी, लेकिन अपने साथ जीने की तमन्ना भी ले जाए तो। मेरी बात से तेरे दिल पर चोट लगी है? क्या कोई याद आ गया है बाबू? याद का ताल्लुक तो भूल जाने से है रानी, और उसकी याद तो हर दम मेरे साथ है। मगर तुम तो उसे भूल समझते थे ना? हाँ, वो भूल थी, इसीलिए कोई बाबरा उसे सोने चांदी के कफन में लपेट कर मुझसे बहुत दूर ले गया। अभी से घबरा गया बाबू? मेरी तरफ देख, कब से अपने बाबू के इंतजार की आग में चले जा रही हूँ। तुझे इंतजार की आग राख नहीं बनने देती, और मुझे यादों के अंधेरे नहीं छोड़ते। अपनी अपनी किस्मत। मोना 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 मोना। अरे सारी कोठी ढूंढ मत, और तुम यहाँ छुपी बैठी हो? कोई काम था मुझसे? अजी काम तो बहुत बड़ा था। सुना है आपके शहर में एक बहुत अच्छी फिल्म चल रही है, एडवांस हमने पहले ही करवा दी है। आप जाइए, मेरी तबीयत ठीक नहीं। बिना आपके भला मैं कैसे जा सकता हूँ? वैसे फिल्म है बड़े रजत की कुर्बानी। कह जो दिया, मेरा मूड नहीं है। अरे मूड को छोड़ो, चलो। अरे तुम्हें तो बहुत ही बुखार है, तो बैठो, मैं तुम्हारी दवाई लेकर आता हूँ। इसकी जरूरत नहीं, दवा पी रही हूँ, बुखार उतर जाएगा। हर फिल्म को छोड़ो जनाब, हम सात समुद्र पार तुमसे शादी मनाने के लिए आए हैं, और तुम बीमार हो गई, जल्दी से अच्छी हो जाओ। तुम्हारी तमन्ना थी ना रोम देखने की, बस इंशाल्लाह हनीमून में ही मनाएंगे।
में तो देखती हो, नम से बात करती हो। जिंदगी का साथी न समझ, बचपन का दोस्त समझ कर बता दे, फिर तेरे दिल का चोर कौन है। चोरों को भूल जाना ही अच्छा होता है। तुम भी ना पूछो, मैं उसे भूलने की कोशिश कर रही हूं। रुकी रुकी सांसों से तीन प्यारे लफ्जों में कह गई सब कुछ तू। तुम ये गीत गा रहे थे, कहाँ से सुना है ये गीत? बताओ बताओ ना कहाँ से सुना है ये गीत? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, पांव पड़ती हूँ, बताओ ना। ताहिर, बचपन का दोस्त समझकर ही बता दो। जिंदगी का साथी समझकर ना बताओ। बताओ बताओ प्लीज। प्रॉमिस क्या? लेकिन तुम अमेरिका में जो बेडरूम में अकेली गा रही थी और मैंने तुम्हारी बात सेव कर ली थी। तुम्हारा तो आने वाला वक्त ही बहुत खूबसूरत। कहो तो कुछ दिन के लिए पहाड़ पर चलें। खुश होना चाहिए। रुकी रुकी सांसों दे तीन प्यारे लफ्ज़ों में कह गई सब कुछ तू।
Thank you.